सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा चर्चित नाम नाम है उनका ध्रुव राठी। ध्रुव राठी का जैसे ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कोई भी वीडियो आता है तो लोग करोड़ों लोग देखते हैं और ध्रुव राठी के वीडियो का सराहना करते हैं। जी हाँ दर्शकों, हाल ही में द केरला स्टोरी नाम की मूवी पर ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया था और ध्रुव राठी ने उस वीडियो में सच्चाई बताई थी द केरला स्टोरी मूवी की कि जिस तरह से द केरला स्टोरी नामक मूवी में तीन महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं हकीकत में हुआ था, तीन महिलाओं के साथ गलत, लेकिन द केरला स्टोरी नामक मूवी में 30,000 महिलाओं के साथ गलत दिखाया गया था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस फिल्म के डायरेक्टर से यह पूछा कि इस फिल्म में जिस तरह से 30,000 महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार अभद्रता दिखाई गई है, इसका डाटा पेश करो, इसका सबूत पेश करो। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि द केरला स्टोरी के जो डायरेक्टर हैं वो ये बोलते हैं कि इस फिल्म में जो 30,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन दिखाया गया है, हकीकत में महज 3 महिलाओं का धर्म परिवर्तन है। हकीकत में उन्होंने कहा था इस मूवी का हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन दर्शकों आप तो जानते ही हैं कि इस मूवी का हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ किया और उन्होंने इस मूवी को देखने की एक तरह से सलाह दी लोगों को। और फिर उसके बाद क्या होता है दर्शकों, राज्य लेवल पर जितनी उनकी सरकारें हैं, जितने भी उनके मुख्यमंत्री हैं, इस मूवी को अपने मंत्रियों के साथ देखने के लिए प्रबंध बनाने लगे और लोग जाने लगे। कुछ लोग अभी तक देखकर आ भी चुके हैं। दर्शकों बात यहां तक होती तो ठीक होता। फिर उसके बाद क्या होता है कि ध्रुव राठी इस मूवी की सच्चाई बताने के लिए हम सबके बीच एक वीडियो लाते हैं, द केरला स्टोरी रियलिटी, और ध्रुव राठी ने उस वीडियो के अंदर इस फिल्म की पूरी सच्चाई ला करके रख दी और इस फिल्म की पूरी सच्चाई उस वीडियो के माध्यम से उन्होंने बता दिया कि इस फिल्म को आप सीरियसली नहीं ले सकते, यह फिल्म पूरी तरह से एक स्टोरी है, वो भी बना बनाया स्टोरी है, इस फिल्म का हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। जिस तरह से इस फिल्म में 30,000 महिलाओं का धर्म परिवर्तन बताया गया है और फिर उसके बाद दूसरे देशों में उसको ले उन महिलाओं को ले जाकर के बताया ये जा रहा था कि उन महिलाओं को जमीन के अंदर गाड़ दिया गया था, तो आपको मैं बता दूं हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था, 30,000 महिलाओं के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, महज 3 महिलाओं के साथ हुआ था, वो भी मात्र 1 महिला उसमें से हिंदू थी और बाकी की 2 महिलाएं, आपको बता दे 1 महिला जो है क्रिश्चियन थी और 1 महिला जो है दूसरे धर्म से थी। मतलब आप ये जान लो कि जिस तरह से 3 महिलाओं को 30,000 महिला बता करके इस फिल्म ने प्रोपेगेंडा फैलाया, उसी स्टोरी को ध्रुव राठी ने जब आपके सामने हम सबके सामने पेश किया तो ध्रुव राठी की पत्नी को इस तरह से धमकी मिलने लगा, यहां तक कि ध्रुव राठी की पत्नी को रेप की धमकी तक देने लगे, ये जान लीजिए दर्शकों। और कौन दिया होगा आप समझ जाइए कौन दे सकता है। दर्शकों आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये वोरोनिका नामक एक यूजर है, इंस्टाग्राम यूजर, इस यूजर ने देखिए ध्रुव राठी की पत्नी जूली को, जो कि ध्रुव राठी की जो है विदेशी पत्नी है, तरह से ध्रुव राठी की जो ये पत्नी है विदेशी मूल की नागरिक है, उनको किस तरह से देखिए धमकी दिया जा रहा है। उनके इंस्टाग्राम पर मैसेज किया गया था, उनको क्या बोला गया था देखिए। वोरोनिका नामक एक व्यक्ति बोलता है कि टेल योर हस्बैंड टू शट हिज माउथ अदरवाइज वी विल रेप यू। देखिए कितना शर्मनाक बात है ना दर्शकों कि एक महिला को रेप की धमकी दिया जा रहा है, जबकि इस महिला ने कुछ किया भी नहीं, बल्कि इसके पति ने भी कुछ गलत नहीं किया और इसके पति ने, इस महिला के पति ने हम सबके सामने सच दिखाने का जो है जज्बा दिखाया और उसको किस तरह से धमकी दिया जा रहा है। और ये तो पहला व्यक्ति था, और लोग
किस तरह से मैसेज करके धमकी दे रहे थे आप देखिए। और ये है दूसरा शख्स, देखिए हैप्पी सिंह नाम का। ये हैप्पी सिंह क्या बोल रहा है, अंग्रेजी बुढ़िया भारत में, ये उसके आगे मैं बोल नहीं सकता, कहां से उड़ करके आ गई। देखिए किस तरह से, मैं सारा शब्द पढ़ भी नहीं सकता, देखिए किस तरह से इस अंदर के अंदर, इस इंसान के अंदर नफरत भरी हुई है हैप्पी सिंह नाम के इंसान के अंदर। भला ये इंसान कैसे किसी महिला का इज्जत कर सकता है। देखिए आप ट्वीट और आगे क्या लिखता है, तेरे हस्बैंड के तो कोई थप्पड़ मारेगा तब तुझे पता चलेगा। मतलब सोचिए उस महिला के पति को, उस महिला को बोला ये जा रहा है कि तेरे हस्बैंड को थप्पड़ मारा जाएगा। सोचिए उस महिला पर क्या बीती होगी। अब सोचिए ऐसे लोग क्या नारियों का सम्मान कर सकते हैं, क्या ऐसे लोग हमारे देश की महिलाओं का सम्मान कर सकते हैं, जो इंसान, जो नागरिक विदेशी मूल की महिला का इज्जत नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को तो और गर्व करना चाहिए ध्रुव राठी के ऊपर कि कम से कम ध्रुव राठी ने विदेशी मूल की महिला के साथ शादी किया और उन्होंने एक संदेश दिया कि भारत के लोग कहीं ना कहीं विदेश में भी अपना एक अलग रुतबा जमा कर रखे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं विदेश में, भारत से जा करके और वहां पर शादी विवाह रचा करके वहां के लोगों को भारत में ला करके अपने भारत की संस्कृति का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इन लोगों को तो यह सोचना चाहिए, लेकिन इन लोगों को क्या सोचना होगा कि इन लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ एक किसी जो है पार्टिकुलर व्यक्ति का, पार्टिकुलर पार्टी का प्रचार करना है और उनके अंधभक्त बनना है। और दूसरा व्यक्ति क्या लिख रहा है, देखिए दूसरा इंस्टाग्राम यूजर क्या लिख रहा है। देखिए इस इंसान का नाम है XX कुछ करके है, देखिए ये क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है। डिड ऑल द अदर वाइट मैन डिक यू दैट यू हैड टू सक ऑन इंडियन डिक। अगर इसका हिंदी में मैं तर्जुमा कर दूंगा ना दर्शकों, तो बहुत ही घटिया मायने इसका निकलेगा, बहुत ही घटिया तर्जुमा निकलेगा। आप सोचिए ये लोग उस इंसान को गाली दे रहे हैं जो इंसान ने हमें और आपको सच बताया है, और जिस तरह से एक मूवी के द्वारा फर्जी चीजें प्रसारित किया जा रहा था, जिस तरह से द केरला स्टोरी नाम की फिल्म के द्वारा अफवाह फैलाई जा रही थी, जिसमें जज साहब तक ने फटकार लगाई है। जी हां दर्शकों, केरल हाईकोर्ट के जज ने इस फिल्म के बारे में जब इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से पूछा कि इस फिल्म में हकीकत क्या है, तो इस फिल्म का डायरेक्टर ये बोलता है कि इस फिल्म में जो 30,000 महिलाओं के साथ दिखाया गया है कि ऐसा हुआ था, हकीकत में महज 3 महिलाओं के साथ हुआ था। आप सोचिए 3 महिलाओं को 30,000 महिलाएं बता करके क्या जिस तरह से ये फिल्म बनाई गई, क्या ये अफवाह नहीं था। आप सोचिए और सोचिए अब अगला व्यक्ति क्या मेल करके, अगला व्यक्ति ध्रुव राठी को मेल करके क्या बोलता है। देखिए अजय राव नाम का व्यक्ति है, बहन के और उसके आगे तो मैं बोल नहीं सकता, औकात में रहकर बोला कर, जिस दिन हथियार उठा लिया ना, सबसे पहले तेरा शोषण करूंगा। मतलब ये इंसान किस तरह से ध्रुव राठी को जान से मारने की धमकी दे रहा है, इसको शर्म नहीं लगती इस इंसान को, सोचिए। और अगर एक वीडियो भी मेरे देश के धर्म के खिलाफ आया तो सोच लेना। अब इसमें धर्म और देश कहां से आ गया बीच में, सोचने वाली बात है दर्शकों। अगर किसी मूवी पर बॉलीवुड के लोग अफवाह फैला रहे हैं और हमें और दूसरे धर्म के, हिंदू धर्म को और दूसरे धर्म के लोगों को आपस में कहीं ना कहीं भाईचारा सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, और कोई पत्रकार कोई एक्टिविस्ट उस पर वीडियो बनाकर सच्चाई बता रहा है कि देखिए हाईकोर्ट ने भी डायरेक्टर को मुंह तोड़ जवाब दिया है और हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाया है, तो क्या उस इंसान ने क्या गलत किया, इस पर आपको सही जानकारी दे रहा है, तो सोचिए। और अगला देखिए ट्वीट क्या किया जा रहा है, अजय राव नाम का व्यक्ति क्या बोल रहा है। अजय राव तो हो गए, और अगला व्यक्ति क्या बोल रहा है देखिए। अगला व्यक्ति ये जान लीजिए दर्शकों, इतने लोगों ने जिस तरह से कहीं ना कहीं ध्रुव राठी को ट्रोल किया और ध्रुव राठी को
धमकी दिया, ध्रुव राठी को बोला कि ऐसा वीडियो मत बनाओ, यहां तक कि दर्शकों उनकी पत्नी को भी रेप की धमकी दिया गया ऐसे लोगों के द्वारा। क्या लगता है दर्शकों, ये लोग कभी एक महिला का सम्मान कर सकते हैं? क्या ये नारियों का सम्मान कर सकते हैं? जिस तरह से हमारे देश की महिलाओं को नारियों को देवी का रूप दिया गया है, इनको देवी माना जाता है, क्या ये लोग एक महिला का इज्जत सम्मान कर सकते हैं? ऐसे लोग जो लोग गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, जो लोग इनकी विदेशी पत्नी को रेप की धमकी दे रहे हैं, जबकि ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं ध्रुव राठी ने ये तो कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम रोशन किया है। और सोचिए, जूली नाम की जो इनकी पत्नी है, विदेशी है, यूरोपियन है, और वो जब भारत में आई थी तो ध्रुव राठी ने हिंदू रीति रिवाज से शादी किया था। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, ध्रुव राठी ने हिंदू रीति रिवाज से शादी किया था, और इनकी जो पत्नी है जूली, ये पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करके पूरी तरह से विवाह किया था। इसमें कहीं ना कहीं हिंदू रीति रिवाज का इसमें तो प्रचार है, हिंदू धर्म का प्रचार है। आप लोगों को तो यह सोचना चाहिए कि हिंदू धर्म का इसमें प्रचार हुआ है, और फिर भी आप लोग उस शख्स की पत्नी को गाली दे रहे हैं, जो महिला कहीं ना कहीं इंडियन पति के ऊपर गर्व कर रही है, और ऐसी गंदी गंदी चीजें, गंदी गंदी SMS भेज रहे हैं, गंदा गंदा सवाल पूछ रहे हैं कि इंडियन ऐसा, इंडियन विदेशी नहीं मिला था, विदेशी ये चीज नहीं मिला था क्या, कि ये इंडियन ये चीज मिल गया, ये सब क्या है? दर्शकों, हमारा देश आज कहां किस ओर जा रहा है? क्या हमारे देश में जो सही जानकारी आप तक पहुंचाएगा उसको इस तरह की धमकी दी जाएगी? सबसे बड़ा सवाल है दर्शकों। फिलहाल दर्शकों देखिए, ध्रुव राठी ने ये ट्वीट करके जानकारी शेयर किया था, साझा किया था, और ध्रुव राठी ने कहा था कि हमारी पत्नी को देखिए, पहले तीन SMS देखिए, हमारे पत्नी को ऐसे SMS भेजे गए थे, और बाद में हमें डायरेक्टली मेल किए गए थे। ध्रुव राठी ने बकायदा ट्वीट किया था, ये खबर एक बहुत बड़ा खबर भी बना था, कि सोचिए जो ध्रुव राठी कहीं ना कहीं द केरला स्टोरी पर एक वीडियो बनाते हैं, और भारत का कहीं ना कहीं 2% जनसंख्या उनके इस वीडियो को देख करके कहीं ना कहीं उनकी सराहना कर रहा था, तो उसी बीच कुछ ऐसे गंदे गंदे लोग भी थे जो ध्रुव राठी की पत्नी को रेप की धमकी दे रहे थे, और ध्रुव राठी को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। अब दोस्तों, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? ध्रुव राठी अगर गलत होते दर्शकों, तो आज उनका वीडियो यूं ही ट्रेंडिंग पे ना रहता, उनके करोड़ों लोग चाहने वाले हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी। दर्शकों, भारत में तो ध्रुव राठी जहां पर आते हैं, ध्रुव राठी का फैंस सुनते जब सुन जानते हैं कि ध्रुव राठी भारत में आए हैं, तो उनसे मिलने का गुहार लगाते हैं, लेकिन ध्रुव राठी सुरक्षा कारणों से अपने फैंस से भी नहीं मिल पाते। दर्शकों, क्या लगता है दर्शकों, कि ये लोग जिस तरह से कहीं ना कहीं तुटपुंजी लोग जिस तरह से ध्रुव राठी की पत्नी को रेप की धमकी दे रहे हैं, और ध्रुव राठी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, आपको क्या लगता है दर्शकों, ये भारत को किस ओर लेकर जा रहे हैं, और भारत की महिलाओं को आखिरकार ये समझते क्या है, और क्या ये इनको लगता है कि ये भारत की महिलाओं को या फिर भारतीय नारियों का इज्जत करते हैं? नारी तो नारी दर्शकों, चाहे वो किसी भी देश की हो, हर नारी का भारत का पुरुष इज्जत करता है। भारत का जो अच्छा इंसान है, भारत का जो समझदार नागरिक है, वो कभी भी किसी महिला को इस तरह से रेप की धमकी नहीं दे सकता। दर्शकों, बाकी आपको क्या लगता है दर्शकों, इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ऐसे लोग अपने आप को समझ सके कि हमारे साथ भारत के लोग कभी हमारा साथ नहीं दे देंगे। अगर आप किसी नारी को उसकी इज्जत लूटने का, उसका बलात्कार करने का अगर धमकी देंगे, तो भारत के लोग आपके साथ बिल्कुल खड़े नहीं होंगे। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया ऐसे गंदे लोगों के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को और लोगों तक भेज दीजिए दर्शकों। बाकी
हम यही कहेंगे ध्रुव राठी भाई को, ध्रुव राठी भाई आप इसी तरह से वीडियो बनाते रहें, हम आपका समर्थन करते हैं, हम आपका सपोर्ट करते हैं। ये तुटपुंजियों लोगों के वजह से क्या आप डर जाएंगे? बिल्कुल नहीं डरेंगे। हम आपको दर्शकों बता दे, ध्रुव राठी को इससे पहले भी कई लोगों ने धमकी दिया था, जान से मारने तक की धमकी दिया था, लेकिन ध्रुव राठी है ये ऐसे ही झुकने वाले नहीं है, ऐसे ही रुकने वाले नहीं है, ये सच हमेशा परोसते हैं। आपका हिम्मत पड़े तो देखिए, नहीं तो ना देखिए, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद।